नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला है और एडिलेड ओवल में दोपहर 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा। जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा, उसका फाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा। तो अब ये आज का जो महामुकाबला है उसमें उसको जीतना ही होगा, यानी इंग्लिश टीम के साथ इंग्लैंड के साथ ये मैच। और उधर से चूंकि जो पहला सेमीफाइनल था वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में था, पाकिस्तान ने उस रोमांचक मैच को जीतते हुए फाइनल में जगह पक्की कर ली है और आज जो टीम जीतेगी वो फाइनल उसका पाकिस्तान के साथ होगा। ऐसे में भारतीय टीम को बहुत सी उम्मीदें और आज का जो महामुकाबला है उस पर सबकी निगाहें, क्योंकि एक तरफ इंग्लैंड की टीम, दूसरी तरफ भारतीय टीम। और 1:30 बजे ये मुकाबला होगा, आपसे चंद मिनटों में ही टॉस होने वाला है। बहुत कुछ निर्भर करेगा, पहले बैटिंग किसकी होगी, गेंदबाजी किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होगा, क्योंकि जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा। ऐसे में आज एक बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, जिसमें रोहित शर्मा और बटलर आमने सामने, यानी दोनों कप्तान, और उनके सामने चुनौती यही कि अपनी टीम को कैसे आगे लेकर जाएं। भारतीय खेमा जो है, प्रशंसक जो हैं, वो हर जगह दुआएं, प्रार्थनाएं और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं कि भारत ये मैच जीते। तो आज भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल टू महामुकाबला, जो आज का मैच जीतेगा वो फाइनल में जगह पक्की करेगा और वहां उसका मुकाबला पाकिस्तान की टीम से होगा, जिसने कल न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा के शानदार जीत दर्ज की थी और फाइनल का टिकट पक्का किया था। आज भारत के ऊपर भी ये दबाव होगा कि अपनी टीम को जिता के आगे फाइनल तक लेकर जाए और एक इंग्लैंड जो काफी मजबूत टीम है उसको चुनौती देना, टक्कर देना, हराना भारत के लिए भी आसान नहीं रहने वाला। दोनों ही टीमें चूंकि यहां तक पहुंची हैं तो बेहद रोमांचक मुकाबला है। टॉस हो चुका है और इंग्लैंड जो है वो पहले बॉलिंग करेगी, यानी गेंदबाजी पहले इंग्लैंड करेगा और बल्लेबाजी भारतीय टीम करेगी। इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, टॉस जो है वो इंग्लैंड जो है वो पहले गेंदबाजी करेगा और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी खेल के मैदान से ही। तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और अब भारत जो है पहले बल्लेबाजी करेगा। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों पर दारुमदार होगा, टीम को 180-190 के आसपास ले जाने का। और स्कंदिता लखनऊ से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, काफी जो खेल प्रेमी हैं, जो क्रिकेटर्स हैं उनके बीच में लोगों के साथ वो मौजूद हैं। स्कंदिता, किस तरह का उत्साह इस महामुकाबले को लेकर लखनऊ वासियों में देखा जा रहा है? देखिए, इस वक्त हम केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खड़े हुए हैं, जहाँ पर जो प्लेयर्स हैं लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं और जब मैच होता है, स्पेशली जब इंडिया खेल रही होती है, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स की और जो जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और सबको यही लगता है कि बस इंडिया जीते। और क्योंकि टॉस हो गया है तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जान लेते हैं कि देखिए टॉस हो गया है, इंग्लैंड टॉस जीत गया है और बॉलिंग का फैसला लिया है। तो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि अब क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से आज का प्रदर्शन रहने वाला है? जी, इंडिया जीतेगी आज, बिल्कुल इंडिया जीतेगी। हाँ जी, बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं इंडिया जीतेगी? जी, इंडिया मुकाबला इंग्लैंड के साथ है, इतना आसान नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया फॉर्म में, अभी इंडिया फॉर्म में है। इसके अलावा और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ उनको लग रहा है, कैसा, कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा? हम सूर्यकुमार यादव से उम्मीद रखेंगे। सूर्यकुमार यादव पिछली बार भी बहुत बढ़िया खेले हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं, वो हमेशा फॉर्म में रहते हैं। अच्छा, पंत भी काफी बढ़िया खेल रहे हैं आजकल, उनसे कुछ कहना, उनसे कुछ क्या उम्मीद लग रही है आपको? पंत जिनको टीम में रखा गया उनसे उम्मीद है, विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमें कई मैच जीता है वो, तो आज उन पे भी बड़ी उम्मीदें रहेंगी। और विराट कोहली जो काफी शानदार फॉर्म में है, हाईएस्ट रन स्कोरर रह चुके हैं, तो इस हिसाब से इंडिया का पलड़ा भारी है। और इंग्लैंड के जो मीडियम पेसर थे मार्कवुड, वो शायद चोटिल हो गए हैं, तो वो भी प्लस पॉइंट रहेगा। अच्छा, एक चीज देखने वाली होगी, क्योंकि कई बार इंडियन टीम के ऊपर बहुत प्रेशर बन जाता है, जैसे पिछली बार भी हुआ था जब पाकिस्तान के साथ मैच था, लेकिन बखूबी विराट कोहली ने चीजों को संभाला था, तो इस बार अब क्या उम्मीद लग रही है कितनी विराट कोहली? नहीं, बड़े मैचों में थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन उसको कवर करेंगे लोग।
और आपको क्या लगता है कि जैसे अभी क्योंकि अभी सबसे पहले बल्लेबाजी का फैसला हुआ है क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीता है, बॉलिंग का लिया है तो बल्लेबाजी करेंगे, क्या लग रहा है किसके बल्ले से कितने रन गिरेंगे? विराट कोहली 50। विराट कोहली 50? हाँ जी। अरे सेंचुरी मार दे तो क्या दिखे? अरे ठीक है सेंचुरी नहीं नहीं 50-50 50 रहेगा। रोहित विराट रोहित जी रहेंगे। इंडिया बस विन करे, इंडिया विन करे, इंडिया विन करे, कोई मैच कितना भी विकेट ले हमें जीत से मतलब है, बस इंडिया फाइनल मारे। मैं बता दूं ये सारे लोग वो है जो हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं, गेम खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे होप भी है, तो ये लोग मैं जानना चाहूंगी क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं तो जानना चाहेंगे कौन किसकी तरह बनना चाहता है, किसके साथ किसके जैसा बनना चाहता है। मेरी मुझे बैटिंग पसंद है, मेरी ऑफ ब्रेक भी डालता हूँ, मेरे आइडल विराट कोहली हैं, मैं हमेशा उनको फॉलो करना चाहता हूँ। ठीक है इसके अंदर मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास अभी और बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का उत्साह है। रामजी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी किस तरह का उत्साह इस महामुकाबले को लेकर ग्रीन पार्क स्टेडियम में देखा जा रहा है लोगों में, खिलाड़ियों में? जी जो आज मुकाबला महामुकाबला जो भी टीम मैच जीतती है वो उसका पाकिस्तान की टीम से फाइनल मैच होना है। सबसे पहली बात है कि जो ग्रीन पार्क में उत्साह साफ तौर पर यहाँ जो प्रैक्टिस करने आते थे वो उनमें देखने को मिला है, क्योंकि जो मैच का टॉस हो चुका है, इंग्लैंड टॉस जीत चुकी है, भारत बल्लेबाजी करेगी। ऐसे में जो जो भी यहाँ पर क्रिकेटर्स आते थे, यहाँ प्रैक्टिस करते थे, वह सभी यहाँ से तो जा चुके हैं, सब अपने घरों पर टीवी पर उस मैच को देखना चाहते हैं, उस मैच का आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कुछ देर पहले जब यहाँ लोगों से बात हुई थी, यहाँ पर जो जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो इंडिया को अगर इंग्लैंड को हराना है तो उनको 180-190 के बीच का लक्ष्य देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंग्लैंड की टीम वो भी काफी मजबूत टीम है, क्योंकि 2014 के बाद अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में सेमीफाइनल मैच हो रहा है, क्योंकि इससे राम जी क्या आपके पास कुछ लोग हैं, कुछ खिलाड़ी हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं कुछ, वो तो मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर में उनसे भी कुछ बात करें, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का, कैसे वो टीम इंडिया को यहाँ पे जीतने के लिए कैसे दुआएं कर रहे हैं और कैसे वो चाहते हैं जीते। मैं आपके पास आता हूँ स्कंदिता, आपके साथ चूंकि कई युवा मौजूद हैं और आज का जो मुकाबला है वो बेहद रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है, अब चूंकि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, ऐसे में किस तरह का उत्साह इन खिलाड़ियों में भी देखा जा रहा है जो जिनका खुद का सपना है कि वो भारत के लिए खेलें? जी देखिए, अगर मैंने इन लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश की है तो यहाँ पर सब लोगों की फिलहाल यही उम्मीदें हैं कि इंडिया जीते, और विराट कोहली यहाँ पे जो लोग मौजूद है वो अपना आइडल मानते हैं विराट कोहली को क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रन मशीन कहा जाता है, और अभी कुछ देर पहले हमने भी इनकी बैटिंग देखी, एकदम बढ़िया रन झटक रहे थे, और इनका कहना भी है कि कहीं ना कहीं ये उनकी तरह बनना चाहते हैं, और आज बैटिंग कर रही है इंडिया पहले, और प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है ही क्योंकि इंग्लैंड भी कोई मजबूत टीम है, तो उनके साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि जो पिछला मैच रहा था आयरलैंड के साथ वो इंग्लैंड हार गई थी, तो उनके लिए भी प्रेशर इंडिया टीम मजबूती से दे रही है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे टारगेट जानना चाहेंगे कि अगर आज उन्हें इंग्लैंड को हराना है तो कितने रन का टारगेट? देखिए इंग्लैंड की टीम में काफ़ी हिटर बल्लेबाज हैं, अच्छे रन करने वाले हैं, जॉस बटलर हैं, तो 180-190 के आसपास टारगेट होगा, प्लस फाइनल में रन चेंज में काफ़ी प्रेशर रहता है टीम को, तो 180 आई थिंक गुड 180 ये करके बात कर रहे हैं आप, क्या लग रहा है सबसे बढ़िया बैटिंग में कौन रन बना पाएगा? देखिए एडिलेड जो ग्राउंड है कोहली का हमेशा फेवरेट ग्राउंड है, उस पर आप रिकॉर्ड चेक कर लेंगे तो काफ़ी रन मारे हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो जरूर अच्छा करेंगे। हाँ अच्छा, एक और चीज़ भी जानना चाहेंगे, हमारे पास बढ़िया बढ़िया बॉलर भी हैं, बॉलर्स में भी जानना चाहेंगे, अभी जो नए खिलाड़ी हैं अर्शदीप, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए कुछ लास्ट मैचों में, उनसे क्या? उनसे यही उम्मीद रहेगी कि आज भी अच्छा करें, आज भी विकेट भारत को निकाल के दें। मोहम्मद शमी से भी उम्मीद रहेगी कि भारत को विकेट निकाल के दे। मोहम्मद शमी से भी उम्मीद है, अर्शदीप से भी उम्मीद है कि वो बॉलिंग में भी बेहतर प्रदर्शन करें। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ये भी जानते हैं कि आपको क्या लगता है जो अच्छा जब टॉस के हिसाब से क्या लग रहा है, मतलब क्या अगर इंडिया टॉस जीतती या अगर बॉलिंग करने का मौका मिलता तो चीज़ें कैसी रहती? टॉस का उतना मतलब नहीं है क्योंकि सेमीफाइनल जैसा गेम है, प्रेशर दोनों टीमों पर होता है। मतलब अगर मान लीजिए अगर अभी बॉलिंग का मिला होता, इंडिया बॉलिंग कर रही होती पहले, तो फिर क्या? अगर इंडिया बॉलिंग कर रही होती तो चीजें किस तरीके से? इंडिया बॉलिंग करती तो इंग्लैंड को ऑल आउट करने की देखती,
ऑल आउट करने का, तो देख सकते हैं मतलब पूरी तरीके से इनको मतलब मैच में मजा आने वाला है, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर इंडिया बॉलिंग भी करती तो भी हम उनको आउट करने पर लग जाते जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया के। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि भैया यही ट्रेनिंग करने आते हैं। हाँ, यस, पहली बार, फर्स्ट डे। कौन आइडल है? चेतेश्वर से पुजारा। अरे वाह, क्यों? बट केएल राहुल इस समय वर्ल्ड कप में। हाँ, इस समय क्यों? क्योंकि दो मैचेस में 50 लगातार मार चुका है, एवरेज भी उसका ठीक ठाक हो गया है, 30 का एवरेज हो गया वर्ल्ड कप में, तो उससे उम्मीदें रहेंगी। और रोहित शर्मा साथ देते तो पावर प्ले में तो धूम मच जाएगी। अच्छा, आज जो मैच है इंग्लैंड और इंडिया का कहा जा रहा है फाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को हराना बहुत ज़रूरी है, अगर आज इंग्लैंड को हराएंगे तो पाकिस्तान को आगे फाइनल में भी देखा जाएगा, तो क्या लगता है? डेफिनेटली मैं तो चाहूँगा कि इंडिया से पाकिस्तान का मैच हो और पूरे 130 करोड़ जनता देखे साथ में। वैसे इंग्लैंड के साथ फाइनल होगा तो कोई मतलब ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं। देखिए, जब बात चाहने की होती है तो इंडिया वाले हैं यही कहेंगे कि इंडिया ही जीते, लेकिन मैच को किस तरीके से देखते हैं? कंपटीशन कितना आपको लग रहा है कि कितना इंडिया के लिए टफ होगा या फिर इंग्लैंड के? टफ होगा, जॉस बटलर का विकेट ले लेते हैं तो रन में रुकाव कर सकते हैं। और जॉस बटलर का विकेट अगर ले लेते हैं तो आसानी रहेगी। स्ट्राइक रेट भी उसका वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया है, तो उसका विकेट लगा रहे हैं जॉस बटलर के विकेट, हरदीप सिंह से लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि अर्शदीप सिंह जो है वो पिछले कई मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं और ये अर्शदीप से उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका विकेट मिल जाए तो मैच कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अर्शदीप पिछले कई मैचों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी बॉलिंग की, क्योंकि लास्ट जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो भी मतलब देखने लायक था, काफी रोमांचक मैच था। और इसके बाद भी अच्छा एक अफरीदी, शायद अफरीदी का नाम सुने होंगे, वो एक स्टेटमेंट दिए हैं कि क्या कहते हैं अगर मतलब इंडिया नहीं हरा पाएगी, बोल रहे हैं इंग्लैंड को हराना नहीं, इतना आसान नहीं होगा। ग्रुप स्टेज में इंडिया हरा के आ चुकी है, उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई है। वो तो फाइनल में पहुंच गए हैं, अभी नहीं पहुंची है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची, लक उसका सही था क्योंकि साउथ अफ्रीका हार गई, और इंडिया अपने चारों मैच जीत के आ रहा है, कॉन्फिडेंस हाल ही है। कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, देखिए इंडिया चारों मैच जीत कर सेमीफाइनल तक आई है और पाकिस्तान तो अपने किस्मत से आ गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ रन रेट की वजह से हो गया था, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गई थी, लीग स्टेज में टॉप पे थी साउथ अफ्रीका, लास्ट के दोनों मैच हार गई, तो इसी वजह से। मौसम की बात की जाएगी क्योंकि भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे से मैच शुरू होने वाला है, और जो मौसम की बात की जाए तो मौसम थोड़ा आज ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी देखना होगा। और पिच की भी बात कर लेते हैं, जब यहाँ इतनी बात चल रही है पिच के बारे में भी जानना चाहेंगे। पिच बॉलर्स को ज़्यादा मदद करेगी क्योंकि इसी ने इंग्लैंड ने बॉलिंग ली है स्टार्टिंग में टॉस जीत के, तो प्रेशर रहेगा रोहित शर्मा पे क्योंकि कैप्टनसी 9 खेलनी पड़ेगी उसको, और आज स्कोर करेगा तो इंडिया डेफिनेटली पाकिस्तान से फाइनल खेलेगा। तो देख सकते हैं इन लोगों का उत्साह यही है कि फिलहाल तो मतलब अपने अपने तर्ज पर अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं कि अर्शदीप को बॉलिंग करना उनका उनसे उम्मीदें हैं, और भाई साहब कह रहे थे सूर्य कुमार से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत लंबे लंबे विकेट झटक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हाल ही में उनको स्काई बॉय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्काई बॉय। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ऊपर बहुत लंबे लंबे सिक्स मारते हैं। अच्छा, धोनी जी को हेलीकॉप्टर शॉट्स के लिए फेमस किया गया था, ये कहते हैं उनको स्काई बॉल, स्काई क्या कहा? स्काई बॉय, स्काई बॉय कहा जाता है क्योंकि वो लंबे लंबे सिक्स मारते हैं और हवा में उछालते हैं, इसलिए उनको स्काई बॉय कहा जाता है। 360 भी बोला जाता है, वो ग्राउंड के सभी चारों तरफ शॉट मारते हैं। हाँ, उन्हीं से हिटिंग के लिए मैं उन्हीं को मतलब आइडियल बनता। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे बैटिंग बॉलिंग मतलब कौन क्या किस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप? बॉलिंग डेथ में बैटिंग कर सकते हैं। किसको फॉलो करते हैं? फॉलो हम करते हैं जसप्रीत बुमराह, इसमें चोटिल है, उसके रिप्लेसमेंट में अर्शदीप सिंह को फॉलो करते हैं। बुमराह तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने उनका हमेशा से रहा है, शुरू से ही उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बॉलिंग की है और इंडिया को हर तरीके से जीत दिलाई है। और अर्शदीप एक नया नाम सामने है, बीच में एक मैच हुआ था जिसमें उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, तो उस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साइड से कमेंट आया था कि जब क्योंकि पाकिस्तान जीत गई थी तो उन्होंने कहा था कि अर्शदीप की वजह से हम जीत गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपने आप को साबित किया था, जो अभी लास्ट मैच हुआ था उसमें उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया था जब इंडिया हारी थी। बाबर आजम को 0 पे आउट किया था तो वो बौखला गए थे, इसीलिए काम का करने लगे। अभी सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हारता है तो फिर से बाबर आजम सामने आएगा, मुझे लगता है 10-10 रन के ऊपर वो नहीं जा पाएगा। अर्शदीप भी उसका विकेट लेगा, बाबर आजम का। बाबर आजम
कह रहे हैं बाबर आजम जो है वो 10 रन के ऊपर नहीं जा पाएंगे फाइनल। अच्छा लेकिन अभी का मैच, लेकिन इसका इंतजार, कल जो सेमीफाइनल हुआ न्यूजीलैंड के साथ, बाबर आजम उसमें फॉर्म में लौटते हुए दिखाई दिए, उन्होंने 50 की थी। रामजी शर्मा, चूंकि आप भी यहाँ पे कान्हा स्टेडियम में मौजूद हैं, ग्रीन स्टेडियम में, यहाँ पे किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, किस तरह का उत्साह है ग्रीन पार्क स्टेडियम में, और किस तरह से टीम इंडिया को जीतने के लिए यहाँ पे दुआएं की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में सुबह से यहाँ पे जो भी क्रिकेटर थे जो यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं सुबह से यहाँ मौजूद थे, लेकिन जब जैसे थे मैच शुरुआत का जो समय नज़दीक आया है उसके बाद सभी जो यहाँ स्टूडेंट थे जो भी यहाँ पर क्रिकेटर थे वो सभी अपने घरों की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि उनको इस मैच का आनंद लेना, लुत्फ उठाना है, क्योंकि सबको ये कहना है कि आज सूर्य कुमार का बल्ला चलना है, विराट कोहली से उम्मीद है, लेकिन पिछले कई काफ़ी समय से जो रोहित शर्मा का बल्ला खामोश, आज उस बल्ले को चलना जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो रोहित का बल्ला भी चलना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये तो लक्ष्य है जो इंग्लैंड टीम के सामने काफ़ी मजबूत लक्ष्य रखा जा सके, क्योंकि 2014 के बाद अब T20 का जो सेमीफाइनल मैच है वो इंडिया इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है, जिससे कि इस मैच को जीत करके इंडिया पाकिस्तान से जो रोमांचक मैच जो 13 तारीख को खेला जाना है वो तो काफी रोमांच होगा मैच। फिलहाल इंडिया की जीत को लेकर के ग्रीन पार्क में जो लोग सुबह से यहाँ मौजूद थे उनके लिए हवन भी किया गया था यहाँ पर कि इंडिया की मैच जीते, और सबसे ज्यादा उम्मीद है बॉलिंग को लेकर भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा उम्मीद की जा रही, जिससे कि वो अपनी बॉलिंग बेहतर करें, और शुरुआती जो झटके जो अभी तक इंडिया टीम को दिलाती आई है वो शुरुआती झटके दिलाएं, और इंडिया को एक मजबूत लक्ष्य जो मिलेगा उसमें जीत हासिल करने में उनकी अहम भूमिका देखी जा सके। जी ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास स्कंदिता, क्योंकि अब तस्वीर लगभग साफ है, यानी टॉस हो चुका है, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, इंग्लिश टीम की जो कोशिश होगी वो ये होगी कि शुरुआती भारत को जो है वो टारगेट करें, यानी जो विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, केएल राहुल हैं, जिन पे बुनियाद है पूरी टीम की, उनकी कोशिश ये होगी। तो ऐसे में अब यही देखा जाएगा कि शुरुआत अच्छी होगी तो फिर एंड भी अच्छा होगा, यानी जो ओपनर्स हैं हमारे रोहित शर्मा और राहुल, इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि स्टार्ट टीम को अच्छा देना। जी बिल्कुल, रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ही अभी इस वक्त जो है ओपनर हैं और उन पर जिम्मेदारी टिकी हुई है, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि प्रदर्शन शुरुआती अगर अच्छी होगी तो फिर एंड तो अच्छा होगा ही होगा, और लेकिन इंग्लैंड की भी वही कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि अगर इनका विकेट मिल जाता है, क्योंकि ये मेन जो है खिलाड़ी हैं ओपनिंग कर रहे हैं, अगर क्योंकि एक प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर स्टार्टिंग में उन्होंने कोई विकेट टिकट ले लिया, तो क्या लगता है किस तरीके से वो बचा सकते हैं और किस तरीके से चीज़ें रह सकती हैं? देखिए, अपना प्रेशर लेके नहीं खेलना है उन लोग को, रोहित शर्मा बड़े हिट जाने जाते हैं पहले के से हिट करने के लिए, केएल राहुल भी अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने देखा है कि कई बार वो अपने मतलब स्टार्टिंग काफ़ी तेज़ वो करते हैं, तो कोहली पे भी प्रेशर कम आ जाएगा इस तरह। तो जैसे वो ओपनर हैं, आपको क्या लग रहा है कितने रन झटक देंगे अपने बल्ले? अगर उनका अच्छा दिन रहा तो सेंचुरी भी मार सकते हैं, पर लेकिन नहीं दिन रहा तो डक पे भी आउट हो सकते हैं। जैसे अभी हमारे साथ में बॉलर भैया भी मौजूद हैं, इनको बॉलिंग करनी है बड़े होकर, तो इनसे भी जानते हैं, क्योंकि देखो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर जैसे हम लोगों को मतलब इंडिया को फाइनल में जाना है, इंग्लैंड भी अपनी पूरी तरीके से कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं विकेट लेने की कोशिश करेगी, खास करके उन दिग्गजों के जो बढ़िया बल्लेबाज है, क्योंकि हमारा बैटिंग से हमारे कई बार अच्छा रहा है हमारा बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग में अगर रोहित शर्मा शुरुआत बढ़िया दिलाएगा तो विराट कोहली प्रेशर बिल्कुल हट जाएगा, और केएल राहुल अगर पहले तो केएल राहुल अपना अटैकिंग गेम खेले और रोहित शर्मा 3-4 ओवर अटैकिंग गेम खेले अपना, और रोहित शर्मा 3-4 ओवर टेक के खेले, और उसके बाद अपना उसको मोमेंटम मिलेगा 3-4 ओवर के बाद, तब अपना अटैकिंग गेम खेले तो उससे मोमेंटम मिल जाएगा, 6 ओवर में मैक्सिमम 50 स्कोर बनेगा तो इंडिया जीतने के चांसेस रहेंगे, मैक्सिमम 50 रन बनेंगे पावर प्ले में तो इंडिया के चांसेस बनेंगे, क्योंकि प्रेशर ये लोग कह रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग में अगर 50 के समथिंग रन बना लेते हैं या स्टार्टिंग में लंबा टिक जाते हैं दो तीन ओवर तक, तो फिर शायद विराट कोहली जो हमारे कैप्टन है उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा, फिर आगे चीज़ें थोड़ा सा स्मूथ हो जाएंगी, अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा वगैरह बढ़िया खेलते हैं, अगर ओपनिंग अच्छी रहती है तो फिर बाकी भी चीज़ें, और अगर मिड भी हमारा संभल जाए तो फिर चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट का जो प्रेशर होता है वो नहीं रहेगा। मिडिल ऑर्डर के लिए हमारे सूर्य कुमार यादव और हैं हार्दिक पांड्या, हाँ संभाल लेंगे हार्दिक पांड्या। कितनी कह रहे हैं?
इतना ही 100% है, 100% गारंटी है। कह रहे हैं कि बीच में आके सूर्य कुमार यादव जो है वो मिड में खेलेंगे तो बीच में वो संभाल लेंगे। तो लोगों का कहना यहाँ पर यही है कि जो ओपनिंग है, ओपनिंग अगर सही रहती है, अगर 50 के करीब रन बन जाते हैं और स्टार्टिंग के 2-3 ओवर बढ़िया से खेल लेते हैं हमारे दोनों ओपनर, तो फिर विराट कोहली जो कैप्टन है उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रह जाएगा और फिर चीज़ें थोड़ा सा स्मूथ हो जाएंगी और इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड को हराना फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी और तब कहीं ना कहीं हमारी जीत क्लियर दिखाई पड़ेगी। बाकी लोग यहाँ दुआएं कर रहे हैं इंडिया की जीत के लिए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि इंडिया जीते। सबसे जानना चाहेंगे ये जी, इंडिया जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। एंड की बात की, अगर प्रेशर पड़ेगा तो किसको लगता है किसको खिलाना चाहिए, क्या कौन खेल संभाल सकता है लास्ट में? हार्दिक पांड्या संभाल लेंगे। हाँ जी, अच्छा हार्दिक पांड्या को अधिकतर देखा गया, उन्होंने कई सारे प्रेशर वाले जो होते हैं जब लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो आके चीज़ों को संभाल लेते हैं, एक तरीके से पूरा मोड़ देते हैं मैच को, देखा जाता है। तो किस तरीके से हार्दिक पांड्या के अलावा अगर और कोई ऑप्शन में रखा जाए तो ऋषभ पंत हाँ जी, आज वो डेथ में मारेंगे, डेथ ओवर में हिटिंग करेंगे आज। अच्छा, हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत से उम्मीद लगाई जा रही है लास्ट में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आके अगर मैच को संभाल लें, अगर लास्ट में अगर प्रेशर पड़ता है एकदम से, अगर स्टार्टिंग हमारी अच्छी नहीं रहती है या मिड में अगर दिक्कत आती है और लास्ट में जाके अगर प्रेशर पड़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को हार्दिक पांड्या से उम्मीद है। मैं लौटता हूँ आपके पास रामजी शर्मा। देखिए भारत को अब चूंकि अगर पहले बल्लेबाजी है भारत की तो अच्छी शुरुआत करनी होगी और शुरुआती जो हमारे ओपनर्स हैं और जो वन डाउन टू डाउन है इनके कंधों पे अब बड़ी जिम्मेदारी है टीम को आगे तक ले जाने की। जी बिल्कुल, क्योंकि जो अभी तक की जो भारत की शुरुआत है वो बहुत बेहतर नहीं हो पा रही, जो अभी तक चारों मुकाबले जो भारत ने जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो शुरुआती जो झटके थे उनसे वो उभर नहीं पा रही, क्योंकि शुरुआती वजह से जो विकेट गिरने लगते हैं उसकी वजह से स्कोर बनाने में काफी दिक्कत है। लेकिन आज जो टॉस इंग्लैंड जीती है और बल्लेबाजी का देवता उन्होंने भारत को दिया है, लेकिन भारत को आज उम्मीद है कि शुरुआती 6 ओवर में जो पावर प्ले है उस पर 50-60 रन तो कम से कम उनको चिप बनाने होंगे, जिससे कि आगे इस वक्त हमारे साथ एक युवा व्यक्ति मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आज इंडिया इंग्लैंड का मैच है तो ये क्या करेंगे, इंडिया इंग्लैंड का मैच है किसको जीतना चाहेंगे? आज इंडिया ही जीतेगा। किससे उम्मीद करेंगे, क्या कितना रन बनना चाहिए? विराट कोहली आज शतक मारेगा ही, क्या पक्का मारेगा, 8 शतक से ऊपर ही मारेगा। तो क्या लग रहा है 200 कितना चेज में बनेंगे? चेज में बनेगा 180 प्लस बनेगा। क्या कहेंगे आप? सर हम तो चाहेंगे कि मतलब हमारे देश का नाम खूब रोशन हो और हमारे इंडिया टीम के जितने भी प्लेयर है, जो जितने भी मतलब खिलाड़ी है, भगवान से यही भोलेनाथ से मनाएंगे कि विजय होके निकले और शुभ हो और मतलब लक्ष्य बढ़ाते रहे आगे। लेकिन इंग्लैंड टीम भी मजबूत नहीं है क्या? इंग्लैंड टीम हम मानते मजबूत नहीं है सर, उसमें मतलब सब अच्छे खिलाड़ी है, फिर भी हमारे इंडिया भी मतलब कमजोर सर नहीं है, इंडिया भी मतलब इंडिया जीतेगा तो जीतेगा सर। तो किससे उम्मीद करें, कौन सा बैट्समैन सबसे फेवरेट है सर? हम तो फेवरेट तो हमारा विराट कोहली है सर। तो ये थे जिनका जीवन साफ तौर बताया कि उनका जो जो फेवरेट खिलाड़ी है विराट कोहली है, उससे आज इनको शतक की उम्मीद है कि वो शतक मारेंगे और इंडिया को एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, जिससे कि जो टीम है वो एक अच्छा चेस जो है इंग्लैंड टीम को दे सके। जी ठीक है, तो आज चूंकि महामुकाबला है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आज एक महामुकाबला है और इसको जीतने वाली टीम, चूंकि दोनों टीमों की ये कोशिश होगी कि इसको जीत के फाइनल का टिकट पक्का किया जाए और फाइनल में जीतने वाली का मुकाबला जो है वो पाकिस्तान से होगा, चूंकि पाकिस्तान कल सेमीफाइनल वन जो था वो जीत चुकी है। तो इकाना स्टेडियम से हमारे साथ स्कंदिता लगातार हमें बता रही थी कि वहां पे युवा खिलाड़ियों में किस तरह का उत्साह है और रामजी शर्मा जो ग्रीन पार्क स्टेडियम में थे उन्होंने बताया कि कैसे यहां पे भी टीम इंडिया को जिताने के लिए लगातार दुआएं भी की जा रही हैं। चलिए वक्त इतना ही था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो यहां पे अब टीम इंडिया की जीत के लिए पूरे देश में दुआएं की जा रही हैं, क्योंकि आज जो जीतेगा दोनों में से वो फाइनल का टिकट पक्का करेगा और भारतीय टीम की कोशिश होगी कि इस महामुकाबले को जीता जाए।